दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे चाइनीज ऐप डिटेक्टर के बारे में, जिसके माध्यम से हमारे फ़ोन में जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है उसे पता कर पाते हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन चाइनीज है। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को वीडियो में बताए थे कि अगर हमारे देश को बचाना है तो हमें सुरक्षित होना पड़ेगा, हमें सेफ होना पड़ेगा। इसके लिए हमारे फ़ोन में जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन है उन्हें फ़ौरन ही डिलीट कर देना चाहिए। लेकिन समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हमारे फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो इसमें से कौन से चाइनीज एप्लीकेशन है ये पता नहीं चल पाता था। तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एक वीडियो बताए थे, एक एप्लीकेशन के बारे में बताए थे जिन एप्लीकेशन का नाम था चाइनीज ऐप डिटेक्टर, और उसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड किया जाता है और चाइनीज ऐप डिटेक्टर के माध्यम से चाइनीज एप्लीकेशन को कैसे डिलीट किया जाता है। तो आप लोगों ने उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिए और अचानक से इस एप्लीकेशन की जो डाउनलोडिंग है चाइनीज ऐप डिटेक्टर की वो बढ़ने लगी और वो फर्स्ट नंबर रेटिंग में आ गया। तो इस हिसाब से उसे गूगल प्ले स्टोर से उस एप्लीकेशन को हटा दिया गया है, जो कि मुझे चाइनीज ऐप डिटेक्टर के जो ओनर है उन्होंने मुझे कमेंट किए कि अब आप ये करिए कि चाइनीज ऐप डिटेक्टर का लिंक जो है अपने दोस्तों तक, अपने भारतीय भाइयों तक पहुंचा दीजिए, ताकि इसके माध्यम से वो पता कर पाएँ कि हमारे फ़ोन में कितने चाइनीज एप्लीकेशन हैं, उन्हें फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि हम आपको बताए थे कि चाइना हमारे डेटा चुरा करके हमारे ही धोखा देने का काम करता है। तो इसीलिए आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक को ओपन करके चाइनीज ऐप डिटेक्टर को डाउनलोड करिए और चाइनीज ऐप को अपने फ़ोन से फ़ौरन हटा दीजिए। इतना तो करना पड़ेगा, हमें देश को बचाना है तो देश हित में कुछ तक काम करिए। आपको तो बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, आप अपने फ़ोन के जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन उसे अनइंस्टॉल जल्दी करिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिल गया कि चाइनीज ऐप डिटेक्टर को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। अगर आप सर्च करिएगा चाइनीज ऐप डिटेक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज ऐप डिटेक्टर मैंने सर्च करता हूँ तो वो इंटरफेस नहीं आता है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो आप लोग प्ले स्टोर से चाइनीज ऐप डिटेक्टर को डाउनलोड करिए और फिर से जो चाइनीज एप्लीकेशन है उसे अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करिए।